नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भुबिया। आज हमारे साथ हैं जसपुर राजघराने की बड़ी बहू राजा दिलीप सिंह जुदेव की पुत्र वधू प्रेमवदा सिंह जुदेव। जसपुर के क्षेत्र में जुदेव खानदान का काफी प्रभाव रहा है, इसी कारण वहां बीजेपी काफी मजबूत है। और आज हमारे साथ प्रेमवदा जी हैं और प्रेमवदा जी से बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। जुदेव घराने की बड़ी बहू, मुख्यमंत्री के दावेदार की पुत्र वधु, फिर भी नगर पालिका तकसीम। देखिए, राजनीति में कोई सीमा तो होती नहीं है। और जहाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारे स्वर्गीय ससुर जी की, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत ही नगर पालिका से की थी जी। नगर पालिका को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। नगर पालिका एक ग्रास रूट लेवल का प्लेटफॉर्म है। और हम लोग के परिवार ने हमेशा ग्रास रूट लेवल मतलब जमीनी स्तर पर जुड़ के लोगों के लिए काम किया है, उनकी सेवा की है। इसमें पद की कोई लालसा तो रहती नहीं है। और जहाँ तक सीमित होने की बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि चांदी के पालने पे पैदा हुए और सीधा अध्यक्ष बन गए, ऐसी कोई बात नहीं रहती। हम लोग तो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और ऐसे ही बिलीव करते हैं जी। और मैंने भी अपने करियर की शुरुआत हमारे ससुर जी के जैसे ही नगर पालिका उपाध्यक्ष से की है। और आगे जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई सीमा नहीं रहती है। आपने दिलीप सिंह जी की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाने के विषय में क्या सोचा? देखिए, हमारे ससुर जी की जो विरासत रही है वो लोगों का जो प्रेम है, वहाँ के लोगों का, छत्तीसगढ़ के, जशपुर के, बल्कि ऑल इंडिया के जो लोगों का प्रेम है, लोगों का जुड़ाव है हमारे परिवार के प्रति, हमारे स्वर्गीय ससुर जी के प्रति जी। वही हमारी पूंजी है, वही हम लोग के परिवार की विरासत रही है। और हमारा पूरा परिवार लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जुड़कर, उन लोगों के साथ रहकर काम कर रहा है और अपनी उन्हीं के आशीर्वाद से अपनी विरासत की पूंजी को बढ़ा रहा है। चुनाव आने वाले हैं जी, आप भी टिकट की दावेदारी बीजेपी की तरफ से करेंगे? नहीं, दावेदारी तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता नेता है। हमारे मोदी जी को देखिए, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने काम की शुरुआत की, आज वो प्रधानमंत्री के लेवल पर है। तो ये, और हम लोग के परिवार के, हमारे ससुर जी ने हमें सिखाया है कि हम लोग लोगों से जुड़कर, हम लोग राजघराने की जरूर है, लेकिन जो हमारा कार्य है वो बिल्कुल जमीनी स्तर का रहा है। और हम लोग उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। और आगे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अगर पार्टी जिम्मेदारी कोई देगी तो उसको तो हम अच्छे से निभाएंगे, और नहीं भी देती है तो एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे। जब मैं आपके बारे में थोड़ा देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि आपके और अमित जोगी के बीच में बड़ी तीखी नोकझोंक होती है, बड़ी तीखी बहसबाजी होती है जी। क्या बीजेपी अजीत जोगी की पार्टी से डरती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक समंदर है, और जोगी जी की पार्टी और ऐसे कोई भी छोटी पार्टी, ये एक नदी की भांति है, और समंदर को नदी से क्या खौफ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अच्छे से काम कर रही है, और ऐसे इन बातों का उसे कोई फर्क नहीं है। तो देख, अजीत जोगी जी अभी खेत चलो अभियान चला रहे हैं और वो आपकी सरकार की नाकामयाबियां किसानों के सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए खासकर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी रमन सरकार और हमारी केंद्र सरकार लगातार किसान भाई के लिए काम कर रही है। जहाँ तक हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, लोक स्वराज अभियान चलाया जाता है, जिसमें जाकर किसानों की समस्या, किसान आते हैं, किसान भाई आते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं और उनका निराकरण भी किया जाता है। और अभी हाल में ही जो सिंचाई के पंप हैं उनको, चाहे आप एक चलाइए चाहे दो, हमारी रमन सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 200 रुपए प्रति माह ही बिजली का उनसे बिल लिया जाएगा जी। और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जहां तक हमारी केंद्र सरकार की बात है, तो छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में मोदी सरकार ने जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया है। तो और हमारे जो किसान भाई है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि हम लोग ने अपने किसानों को खेत से लेकर बाजार से जोड़ा है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। आप सामाजिक कार्यों में भी काफी भागीदारी रखते हैं। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
आंदोलन में आपने काफी बढ़ चढ़ कर काम किया जी, ये क्या राजनीतिक सोच की तरफ से, सोच से कदम था या सामाजिक कार्य करने की एक लालसा थी? देखिए, बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया मेरे से। ये क्या है कि देखिए, पहले राजतंत्र में क्या होता था कि राजनीति क्या है, नीति बनाकर राज को चलाना पहले। आज लोकतंत्र में क्या है कि नीति बनाकर समाज को चलाना। तो राजनीति में केवल पद होते हैं, राजनीतिक कोई कार्य नहीं होता है। जो कार्य होता है समाज सेवा का कार्य होता है। आप हॉस्पिटल खुलवाइए, सड़क बनवाइए, कोई भी नेता कोई कार्य करते हैं तो वो सामाजिक कार्य ही करते हैं। तो ये अपने देखने की दृष्टिकोण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में आपने काफी काम किया जी, तो वो क्या अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ की हर एक बेटी से, महिलाओं से जुड़ने का एक मौका मिला। और हमारे मोदी जी ने जो ये शुरुआत की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, तो इससे एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो मैंने देखा लोगों के बीच जाकर, कि लोगों की मानसिकता बदल गई है बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। और एक ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई भी मतलब वैसे संभव नहीं था किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले ऐसे, कि लोगों की मानसिकता, चाहे स्वच्छता को लेकर देखिए, चाहे बेटी बचाओ को लेकर देखिए, बहुत ही लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। और हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाके बेटियों का सम्मान कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम लोग को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी पार्टी काम कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद।